अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हमजा शफीक भी। सबसे पहले आपको बताएं, आईनी अदालत हर सूरत बनेगी। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत भी छोड़ दे और वकालत भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान कहते हैं। इन्होंने कहा कि आप किसी वजीर आजम को निकाले और हम चून तक ना कर सके। कहा गया रियासत होगी माँ की जैसी, मगर फिर रियासत बाप की तरह हो गई और उसमें ज्यादा हाथ इफ्तिखार चौधरी का था। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदलिया को खराब किया। उस वक्त ऐसा फेरौन बैठा था जिसके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते थे। मजीद कहा कि इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आईनी तरामीम से मुतालिक मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए मैं जदोजहद नहीं कर रहा। जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों ही मेरे लिए मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं इन दोनों जजेस में कोई भी आईनी अदालत में बैठे। तब कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आईन होगा आप मानेंगे। आईन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियन। अगर आईन कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं करना, ना करें। आप एतराज ना करें, बट आप आईन को कैसे नहीं मानते? अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट पासेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इज इन द अमेंडमेंट। आपने पूछा कि 18वीं तरमीम के वक्त पे आपने ये क्यों नहीं किया? करना चाह रहा था भाई। आप जैसे ऑनरेबल वकला तो कह रहे थे कि जिंदा है वकला, चीफ तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, आजादी रियासत होगी माँ की तरह। रियासत बन गया बाप की तरह और इसमें बरा बरा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। माने पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा और आप इसके आजादी के नाम पे इतना ताकत दिलवाए हैं इनको। आर्टिकल 63 ए की नजरसानी अपीलों पर दोहराने समाज, चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क। कहा लगता है आर्टिकल 63 ए का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। आइन में तहरीक अदम एतमाद, वजीर आजम और वजीर आला के इंतखाब और मिनी बिल की वजाहत मौजूद है। जब आइन में लिख दिया कि नाहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। जब आइन वाजे है तो उसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है? शहजाद शौकत ने केस के पस मंजर से आगाह किया कि फैसले में मुनहरिफ रुकन के वोट को शुमार ना करने का कहा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वोट की मशक होती ही इसलिए है कि उसको शुमार किया जाए। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। क्या ये पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने जैसा है? वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील ही हिमायत। PTI के वकील अली जफर ने मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, नजरसानी का दायरा बहुत महदूद होता है। नजरसानी मंजूर हो या ना हो, होता यह है कि फैसला गलत है, वजूहात गलत होती हैं। आप फैसले का नतीजा नहीं सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन बताइए। देखिए हमसे आज बहुत ही अहम केस था आर्टिकल 63 ए का, जिसकी तकरीबन 2 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। गुज़श्ता रोज़ उसकी पहली समाअत थी जिसमें 5 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर की माजरत के बाद जो है बेंच जो है वो चूंकि 4 रुकनी हो गया था, तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हम गुजारिश करेंगे उनसे कि जस्टिस मुनीब अख्तर से कि वो इस बेंच में शामिल हों और उसके बाद जो है वो कल हम बेंच की जो केस है इसकी समाअत आज दोबारा करेंगे। आज इस केस की दोबारा समाअत थी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को इस 5 रुकनी बेंच में जो है वो शामिल किया गया था। जैसे ही केस का आगाज हुआ तो बानी चेयरमैन PTI के वकील अली जफर की जानिब से जो है चीफ जस्टिस के सामने जो है यह एतराज रखा गया कि हमें जो है वो इस बेंच पर एतराज है। चीफ जस्टिस ने जो है वो अली जफर को बात करने से रोकते हुए ये कहा कि आप बैठ जाएं, हम आपको भी बाद में जो है वो सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले कहा कि मैं जो है जितने भी लोग अदालत में मौजूद हैं सबको ये बताना चाहूंगा कि अदालत में जो है वो कल क्या हुआ और आज क्या। जस्टिस मुनीब अख्तर जो बेंच में शामिल थे उनसे गुजारिश भी की गई कि आप बेंच का हिस्सा बने, लेकिन जो है वो कल भी कमर अदालत में नहीं आए और जो है वो शाम को जो है वो खत उनकी तरफ से मौसूल हुआ, जहां जिसमें जो है वो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ की समाअत के हवाले से जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। चीफ जस्टिस की जानिब से बताया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर की माजरत के बाद जो है वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया है। और बहुत आम रिमार्क चीफ जस्टिस की जानिब से भी सामने आए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो शहजाद शौकत, वो इस केस में चूंकि मरकजी पटिशनर थे, उन्होंने सबसे पहले अपने दलाइल का जो है वो आगाज़ किया। शहजाद शौकत की जानिब से जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा दलाइल जो है वो जारी रखे गए। उनकी जानिब से बताया गया कि ये जो फैसला था, जो मेजॉरिटी जजमेंट थी,
ये जजमेंट जो है ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, तो लिहाजा इस जजमेंट को जो है वो खत्म किया जाए। और जो अगर कोई मुनहरिफ हुक्म जो है वोट डालता है तो उस फैसले में यह था, अगर कोई मुनहरिफ हुक्म जो है वोट डालता है तो उसकी जो सीट है वो भी खत्म होगी, वो डी सीट भी होगा और उसके अलावा जो है वो नाहली होगी। पार्टी पॉलिसी के तहत जो है उस पर उसके खिलाफ जो है वो आप कार्रवाई कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने जो मेजॉरिटी जजमेंट थी 2022 के फैसले की उसमें जो है वो इवल और कैंसिल जैसे कैंसर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो किया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस की जानब से इजहार बरहमी भी किया गया, उन्होंने तहफ़ुज़ात का इजहार किया और चीफ जस्टिस की जानब से कहा गया कि मैं बतौर जज जो है वो इन अल्फाज को किस तरह जो है वो लूँगा। तहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के जो वकला हैं वो अदालत के सामने पेश हुए, फारूक एच नाइक और एहसन गून। फारूक एच नाइक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एहसन गून जो है वो वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी जानब से अदालत को यह बताया गया कि हम जो है वो इस अपील के हक में जो है वो जाते हैं, नजरसानी अपील के हक में जो है हम जाएंगे। अली जफर, बैरिस्टर अली जफर जो है वो अदालत में पेश हुए, उनकी जानब से बताया गया कि मैं बानी चेयरमैन पीटीआई का वकील हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल की जानब से कहा गया कि बाकी जितने भी वकला रह गए उनको हम जो है वो कल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुबीन, आपने तफसील नगा किया। तहरीक इंसाफ के वकील का नजरेसानी अपीलें सुनने वाले बेंच पर एतराज। चीफ जस्टिस ने अली जफर को बेंच पर एतराज करने से रोक दिया, कहा कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा, अब लार्जर बेंच मुकम्मल है, आपके एतराजात भी सुनेंगे। दौरान समाज सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, फैसले में कहा गया कि इन्हराफ करप्ट प्रैक्टिस जैसा है, फैसले में कहा गया कि कोई एक मिसाल मौजूद नहीं जिसमें इन्हराफ ज़मीर की आवाज़ पर किया गया हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है, जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं, फैसले से इख्तलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं, हम कौन होते हैं कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो। क्वेटा में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि 63A का मकसद पार्लियामेंटेरियंस के वोट का हक छीनना नहीं था, उसका मकसद फ्लोर क्रॉसिंग के तरीकेकार में रुकावट डालना था। आईन में आर्टिकल 63A लेकर आएंगे और इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए। हमने 63A इसलिए रखा कि बिल्कुल हम क्रॉस ट्रेडिंग पे कक्कर लाना चाह रहे थे, मगर हम पार्लियामेंट के मेंबर्स को गुलाम नहीं बनाना चाह रहे थे, उनका वोट का हक छीनना नहीं चाह रहे थे। एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बाय देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, बाय देयर पॉपुलेशन, द राइट टू एक्सरसाइज देयर वोट, बिकॉज दे आर इलेक्टेड ऑन अ पार्टी टिकट, एब्सोल्युटली मेक देम बाउंड बाय दैट पार्टी टिकट डिसीजन, मगर ऑफ द फ्री माइंड एंड फ्री कॉन्शियंस व्हेन दे डिसाइड कि नहीं, ये IMF conditions ऐसे है कि मैं हल्के के अवाम को मुंह नहीं दे सकता, मैं नहीं वोट डाल रहा। मैंने गलती की कि इस किस्म का शख्स को इस मुल्क का वजीर आजम बनने दिया, तोबा तोबा, अब पार्टी जो भी कहे मैंने खिलाफ वोट देना है। एक कॉन्सिक्वेंस तो है, इतना आसान नहीं है, यू हैव टू थिंक ट्वाइस, कुछ होगा, मुझे जाना पड़ेगा बाय इलेक्शन, मगर इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, इफ यू आर इम्पैशनड अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू, देन यू लीव इट अप टू द पीपल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप अब फैसला करें, मुझे वापस भेजना चाहते हैं या दूसरा नुमाइंदों को मुंतखब करना चाहते। दिस वॉज द प्रोटेक्शन वी गेव इन 63A, but an incoming chief justice decided to make an unconstitutional and political decision, an incoming chief justice manipulated the Umar Atiyal Bandiyal court, undid the constitution of Pakistan and made his own constitution। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह की गैर मौजूदगी में जो भी बेंच तश्कील दिया जाता है वो गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर अली जफर सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कमेटी 3 मेंबर की बैठे और 3 मेंबर की जो कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस मीनुद्दीन साहब हैं, वो तीनों बैठें और बैठ के फैसला करें कि बेंच कौन सा होगा, उस बेंच के सामने समाअत हो सकती है, क्योंकि अब ये बेंच तो अगर मुनीब साहब नहीं बैठते तो ये ख़त्म हो जाता है। और दूसरा इशू ये है कि जो नया बेंच बनता है उसमें ज़रूरी है कि मुनीब अख्तर साहब हों, अगर कल भी वो नहीं आते तो उस बेंच में भी समाअत नहीं हो सकेगी। इसलिए मेरी नज़र में जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कमेटी में नहीं बैठते और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बेंच में नहीं बैठते तब तक इस रिव्यू की समाअत मुमकिन नहीं है मेरी नज़र में। अगर मंसूर अली शाह साहब ना बैठे तो बेंच नहीं बन सकता? बेंच मेरी नज़र में नहीं बन सकता, कानूनी नज़र में, कानून की नज़र में नहीं बन सकता। ऑर्डिनेंस ये कहता है कि 3 मेंबर बैठे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फजलुर रहमान को आईनी तरमीम पर एक बार फिर से हुकूमत के साथ बैठने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना को तआवुन और हुकूमती मौक़िफ़ सुनने की अपील कर दी है।
وزیر داخلہ محسن نقوی نے سربراہ جے یو ایف اے کو صدر مملکت کا پیغام بھی پہنچایا۔ مولانا فضل الرحمان نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ آئندہ چند روز میں مولانا فضل الرحمان اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات دوبارہ متوقع ہے۔ حکومت آئینی ترمیم کے لیے سرگرم، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں حکومت سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ وزیر داخلہ نے صدارت زرداری کا پیغام مولانا فضل الرحمان کو پہنچایا اور آئینی ترمیم پر حکومت کا موقف سننے اور ساتھ دینے کی درخواست کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جواب دینے کے یہ وقت مانگا ہے۔ آئندہ چند روز میں مولانا فضل الرحمان سے دوبارہ حکومتی نمائندوں کی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کو جے یو آئی فے کا امیر بننے پر مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارلیمان کی بالادستی اور جمہوری اقدار کے فروغ میں نمایاں خدمات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ایک زیرک، مدبر اور دور اندیش سیاسی رہنما ہے جن کی قیادت میں جے یو آئی نے اصولوں پر مبنی سیاست کی ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کا آغاز کریں، اسٹیبلشمنٹ اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ بانی پی ٹی آئی نے جو کال دی ہے اس سے سیاسی ٹمپریچر مزید بڑھے گا۔ سپریم کورٹ میں بہت زیادہ تقسیم ہے۔ خان نے کال دی ہے، اس سے ٹمپریچر اور بڑھے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے اس میں بہت اضافہ ہوگا، کہ ایک دوسرے کو روند کے آگے جانے کی جو کوششیں ہیں اس سے نتیجے میں ملک جو ہے اس میں مزید سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کا آغاز کریں، تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کیا جائے، اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل ہو اور ہم پاکستان کے لیے ایک راستہ نکال سکیں۔ عمران خان کو تسلیم کیے بغیر، ان کو اس حل میں شامل کیے بغیر پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا۔ جو تقسیم ہے سپریم کورٹ میں اس کا آگے اور بڑھ رہی، اور جس طرح سے اس وقت چیف جسٹس صاحب اور یہ سارے جو ہیں ایک ایکسٹینشن کے معاملے میں لگے ہوئے ہیں اور لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس ہر صورت میں ایکسٹینشن۔ پنجاب حکومت نے فیصل آباد، میاوالی اور بہاولپور میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ پابندی کا اطلاق آج سے 7 اکتوبر تک ہوگا۔ ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے اور احتجاج پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی سفارش پر میاوالی میں رینجرز کی تعیناتی کا بھی فیصلہ۔ رینجرز کی 2 کمپنیز 3 اکتوبر تک تعینات رہیں گی۔ انتظامیہ کے مطابق امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ دہشت گردی کا خدشہ ہے، عوامی اجتماع سافٹ ٹارگیٹ ہو سکتا ہے۔ کراچی میں غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والی عمارتیں شہریوں کی جان کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔ گلشن معمار سکیم 33 میں زیر تعمیر عمارت ٹیڑھی ہو گئی، ملبہ گرنے سے 2 مزدور زخمی بھی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق گراؤنڈ پلس 4 بننے والی رہائشی پلاٹ پر پینٹ ہاؤس کا تعمیراتی کام جاری تھا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیں گے سونیا خان زادہ سے۔ آپ کو بتائیں کہ آج صبح 9:20 پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اسکیم 33 احسان آباد کے علاقے مشرق کی سوسائٹی کے اندر ایک گراؤنڈ پلس 4 کی عمارت ہے جو زمین ان کے اندر دھستی جا رہی ہے، جس کا گراؤنڈ فلور جو ہے وہ مکمل طور پر زمین کے اندر جا چکا ہے۔ اگر میرے کیمرہ میں نعمان دکھائیں کہ اس وقت یہاں پر یہ وہ عمارت ہے جو کہ مکمل گراؤنڈ فلور نیچے جا چکا ہے، اور اس میں اتنا ناقص مٹیریل یوز ہو رہا تھا کہ یہ آپ لوہے کی کنڈیشن دیکھیں کہ یہ وہ لوہا یوز ہو رہا ہے جو کہ شاید چھتوں پہ ڈھل جاتا تھا، لیکن وہ زمین کے اندر جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو مزدور اندر پھنس گئے تھے انہیں یہاں اہدی چھپا کے اور 112 کے رضاکاروں نے جو ہے وہ نکال لیا ہے۔ یہاں جو رہائشی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بار بار کہا جاتا ہے یہاں پر اگر کوئی ٹھیلا ٹانا ہو تو ایک منٹ میں جو ہے وہ سارے ادارے آ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، لیکن جب اتنی بڑی عمارت کھڑی ہو رہی تھی تو کوئی پوچھنے نہیں آ رہا، لیکن آج بھی یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے کہ کوئی ایس بی سی اے کا یہاں پر جو ہے وہ عہدیدار آئے اور یہاں پہ بتائے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ لیکن جب بھی اس کا فیصلہ ہوگا اس میں جو ہرجانہ بنتا ہے وہ ہم ان سے لیں گے اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ یہاں چھوڑا جائے گا۔ لیکن عمارت کی حالت اس قدر خراب ہے کہ یہاں سے مسلسل مٹی گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جی، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے وزیر اعلیٰ آفس آمد پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور نواز شریف کو جاری منصوبوں سے متعلق وزراء کی بریفنگ۔ اپڈیٹ صاحب تک پہنچا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی وزیر اعلیٰ آفس میں آمد ہوئی اور پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ اسی حوالے سے جانیں گے، فصیح اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فصیح اللہ، کن کن چیزوں پر بات چیت ہوئی اس ملاقات میں؟
आज बिल्कुल आज ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आला ऑफिस आमद हुई है और इस मौका पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज भी उनकी हमराह थी और अहम जो मुलाकातें हुई उसमें पंजाब के जो तरक्याती मनसूबे बारे हिकमत अमली जारी है उस पर गौर किया गया, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब और नवाज शरीफ को जो है वो जारी मनसूबों से मुतल्लिक वुज़रा की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा जो सरकारी अफसरान इस मुलाकातों में मौजूद थे वज़ीर-ए-आला ऑफिस में उनकी जानिब से भी जो तमाम स्कीम जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉन्च की गई हैं उस पर कितने फीसद काम मुकम्मल हो गया और कितने फीसद रहता है और कब तक मुकम्मल हो गया इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ को आगाह किया गया और मुस्लिम लीग नून के सदर की अवामी रिलीफ के मंसूबों पर तवज्जो मकरूज करने की जो है वो हिदायत जारी की गई है और इस हवाले से ये भी देखा गया कि जो जो जारी तरक्याती मनसूबे हैं उस पर जो है मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को दी गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से भी तमाम मनसूबों के हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर को आगाह किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएंगे। लाहौर में नाबीना अफराद की वज़ीरे आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस और नाबीना अफराद के दरमियान हाथापाई भी हुई है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। नाबीना अफराद के मुतालिक जिनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया है। पुलिस और नाबीना अफराद के दरमियान हाथापाई भी हुई है। बैरियर्स लगने से मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। अदनान भट्टी बताएगा क्या सिचुएशन है वहाँ पे इस टाइम। जी नबीना अफराद जो है वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं माल रोड के ऊपर और नौवां रोज है आज जिनका एहतजाज नौवें रोज में शामिल हो चुका है। पुलिस के साथ उनकी झड़प देखने में आई है जिसमें नबीना अफराद ने वज़ीर-ए-आला हाउस की जानिब मार्च करने की कोशिश की और पुलिस ने जबरदस्ती उनको रोक लिया। पुलिस और नबीना अफराद में हाथापाई हुई। नबीना अफराद ने बैरियर हटाने की भी कोशिश की लेकिन पुलिस की भारी नफरी इस दौरान तैनात थी। नबीना अफराद ने पहले गवर्नर हाउस जो है उसके सामने एहतजाज किया और वहां जाने की कोशिश की जिस पर पुलिस की जानिब से इनको जबरदस्ती रोका गया और इस दौरान जो है बैरियर्स लगने से नबीना अफराद कुछ जख्मी भी हुए हैं जिस पर फौरी तौर पर रेस्क्यू एहलकार जो है वो वहां पे पहुंचे और तिब्बी इमदाद उनको मुहैया की लेकिन पुलिस ने जो है वो उनको वज़ीर-ए-आला हाउस जाने से भी रोका और इस वक्त जो है वो नबीना अफराद माल रोड के ऊपर ही मौजूद है। गुज़श्ता 6 रोज से वो पहले फैसल चौक में एहतजाज कर रहे थे। उनका ये कहना था कि वो बेरोजगार है, उनको नौकरी फराहम की जाए और उनको जो है वो जितने भी उनकी एजुकेशन है उससे मुतलिक जो है डिपार्टमेंट में उनको नौकरी दी जाए लेकिन इसके बावजूद जो है वो 9 रोज एहतजाज को हो चुके हैं। अभी तक किसी भी इंतजामिया की जानिब से उनके साथ मुजाकरात नहीं किए गए और आज ये सूरत हाल देखने में आई है कि जब उन्होंने वज़ीर-ए-आला हाउस की जानिब मार्च करने की कोशिश की और जबरदस्ती बैरियर जो है वो हटाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी जो झड़प है वो देखने में है और जबरदस्ती जो बैरियर थे वो हटाने की कोशिश की गई। नबीना अफराद ने अपना सामान भी अपने पास रखा हुआ है और उनका ये कहना था कि उनके मुतालबात जायज हैं, वो वज़ीर-ए-आला से बात करना चाहते हैं उनको ताकि नौकरी फराहम कीजिए लेकिन अभी तक सूरत हाल यह है कि जो पुलिस की भारी नफरी है वो यहाँ पे तैनात करती की है और जो वज़ीर-ए-आला हाउस के इतराफ में जो बैरियर्स है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और जो ट्रैफिक की रवानी है उसको मौसर अंदाज में चलाने के लिए डायवर्शन प्लान जो है वो लगा दिया गया और इजाफी वार्डन्स भी वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि नबीना अफराद के साथ मुजाकरत करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इंतजामिया का कोई भी जो अहदेदार है वो वहाँ पे नहीं पहुँचा और अपनी मददाब के तहत जो पुलिस एहलकार हैं वो उनसे मुजाकरत कर रहे हैं ताकि उनको वहाँ से हटाया जा सके और माल रोड के एक तरफ जो है उनको वहाँ पे पटाया जा सके क्योंकि गुज़श्ता 6 से 7 रोज हो गए हैं वो फैसल चौक पे बैठे हुए थे और वो एहतजाज कर रहे थे कि वो अपने मुतालबा पूरा करवाना चाहते हैं क्योंकि हर साल जो है उन्हें एहतजाज के लिए सड़कों के ऊपर आना पड़ता है। कभी मेट्रोपोलिस जो है वहाँ पे ये एहतजाज करते हैं मेट्रो बस के करीब और कभी माल रोड के ऊपर वो एहतजाज करने के लिए निकलते हैं तो आज ही ये सूरत हाल इस तरह की देखने में आई है कि जो बैरियर पुलिस ने लगाए हुए थे वज़ीर-ए-आला हाउस की जानिब जो है वो मार्च ना कर सके उसको जबरदस्ती जो है वो मुजाहिरीन ने हटाने की कोशिश की जिसके दौरान जो है वो पुलिस के साथ तसादुम भी देखने में आया और बैरियर जो है तसादुम देखने में आया है। फोर्स का इस्तेमाल पुलिस की जानिब से भी किया गया है। बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी।